नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया ने दिल्ली के जिस स्कूल में पढ़ाई की वो अब उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली सरकार ने रवि दहिया के सम्मान में राजकीय बाल विद्यालय आदर्श नगर नंबर 2 का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। रवि ने इस स्कूल में 6ठी से 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। रवि दहिया को सम्मानित करने के लिए मंगलवार को स्कूल में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर रवि दहिया ने कहा कि दिल्ली सरकार उनकी तब से मदद कर रही है जब से वे ओलंपिक के लिए चयनित भी नहीं हुए थे। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले रवि दहिया आज अपनी मेहनत और लगन से देश के युवाओं के लिए आइकॉन बन चुके हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि सरकारी स्कूल से पढ़कर निकला एक बच्चा देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत कर ला रहा है। स्कूल में रदहिया का एक बड़ा पोर्ट्रेट भी लगाया जाएगा ताकि उसे देखकर बच्चे प्रेरित हों और खेल के क्षेत्र में पहले तो मैं सकें। अपने शिक्षा विभाग, हमारे स्कूल, इस स्कूल और पूरी की पूरी दिल्ली और देश की तरफ से रवि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जब 4 और 5 तारीख को इनका मैच चल रहा था तो ये मानिए करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन इनके एक एक बाउट पे, इनके एक एक मुंह पे इधर उधर हो रही थी। और जैसे ही पता लगा मेडल तो ऐसे लगा बस खून 4 गुना बढ़ गया और ताकत 4 गुना बढ़ गई, देश की ताकत बढ़ गई। तो वो फीलिंग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें नाज है कि आप हमारे हैं, हम आपके। दूसरा, देश के एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिसने अभी मेडल हासिल किया, मैं उसकी तरफ से भी यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स को, यहाँ के प्रिंसिपल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक खिलाड़ी जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, तो आपने ज्यादा नियम कायदे कानून बना के उसको दुखी नहीं किया, उसको रोका। कहना चाहूंगा कि स्कूल को तो आप पे गर्व है ही, पर यहाँ के स्टाफ को ध्यान रहे कि हर स्पोर्ट्स पर्सन की पीठ थपथपा के उसकी मदद करते रहें और उसको याद दिलाने के लिए जरूरी है कि जैसे आज हमने आज़ादी के मतवालों के फोटो यहाँ लगा रखे हैं, देश के लिए जान देने वालों के फोटो यहाँ लगा रखे हैं, हम अपने स्कूल में एक बड़ा सा पोर्ट्रेट, एक सॉलिड पोर्ट्रेट रवि जी का भी लगाएं, जिससे ये स्कूल के हर बच्चे को, हर टीचर को याद रहे कि कोई खिलाड़ी अगर कोई कहे कि मुझे खेलने जाना है तो रवि दहिया की आंखें उसको देख रही हो, मैडम रोको मत इसको, रोक दिया तो रवि दहिया नहीं बन पाएगा, सर रोकिए मत इसको नहीं तो रवि दहिया हाथ से निकल जाएगा, वो उसको याद दिलाती है। इनका सम्मान तो है ही है, लेकिन हमारा लालच भी है इनका फोटो लगाने में, लालच है जी, लालची आदमी है। तो सम्मान तो इनका है ही, पर लालच मेरा है कि हमारा जो बच्चा यहाँ खेलने के जिजीविषा के साथ पढ़ रहा हो वो कह सके मैडम वो देख लो, सर वो देख लो, वो भी पढ़ के गया है, इसे मुझे भी खेलने तो मैं मेडल लेके लाऊंगा, उसका हौसला बढ़ सकता, ये हमारा लालच। और दूसरा मेरा अनुरोध या कह सकते हैं निर्देश शिक्षा विभाग को कि रवि दहिया जिस स्कूल से निकल के गए उस स्कूल का नाम रवि दहिया जी के नाम पर होना चाहिए। आदर्श नगर का ये स्कूल, आदर्श नगर का ये स्कूल, इस स्कूल को गौरव दिलाने वाले भाई रवि दहिया के नाम से जाना जाएगा, ऐसा मेरा आग्रह है और मुझे लगता है इसको कर सकते हैं। तो आज से ये स्कूल रवि दहिया स्कूल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, सहमति है, बहुत बढ़िया। तो आप मिलकर हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे भाई ने, हमारे बच्चे ने हमें खुश होने का, जश्न मनाने का मौका दिया, दिल से खुश होने का मौका दिया, तो खुश रहिए और अगली जनरेशन को खुश होने के मौके देने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा और ऐसा सम्मान मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का और सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार ने और क्या क्या आश्वासन दिए इस कार्य को लेके? देखो जी, आज तो बस यही था कि स्कूल में प्रोग्राम था, इन्होंने बुलाया था, काफी मैं पहले ही स्कूल में पढ़ा था, तो खेलो बढ़ावा देने लिए बहुत सारी इन्होंने स्कूल का नाम आपके नाम से रखने का ऐलान किया है। देखो बहुत अच्छा लगा और इतना बड़ा सम्मान मिलने के लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देना, दिल्ली सरकार इतनी पहल कर रही है इसके लिए बहुत बहुत संदेश देना, बस यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा खेलों में आए और देश का नाम रोशन। देखिए ये सम्मान है रवि का,
और उसकी मेहनत का सम्मान है ये, जिस संयम से मेहनत से रवि ने देश का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, अपने गुरुओं का, अपने कोचिज का नाम रोशन किया है, ये सम्मान है उसका। और इस स्कूल का रवि दहिया के नाम से जो नाम रखा गया है, इससे बाकी जो बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में तो वो देखेंगे रवि दहिया का नाम से जो स्कूल है क्यों रखा गया नाम, तो उनको भी जो है इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगी, उन बढ़ावा मिलेगा जो है स्पोर्ट्स के प्रति।